वेलकम व्यूअर्स, आज हम लोगों का टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम बहुत ही आसान वे में यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस है हम समझेंगे। यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है तो उस प्रकार के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। नॉन यूनिफॉर्म क्या है? जब कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करता है। इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस, तो वैसे मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करता है तो उस प्रकार के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। आइए समझते हैं। ये जो है आपका 1 मिनट है, मान लेते हैं 1 आवर है, 2 आवर है, 3 आवर है, 4 आवर है, ठीक है। इसके बीच में भी गैप कितना है? 1 आवर। यहां से यहां भी जाएंगे तो 1 आवर है, 3 से 4 आवर यानी 1 आवर है, 4 में से 3 घटाएंगे 1 होगा, यानी सबके बीच में 1 आवर है। मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी यहां से चालू होता है और यहां से यहां जाने में यानी 1 घंटा में बॉडी जो है 10 किलोमीटर कवर करता है। फिर नेक्स्ट 1 आवर में बॉडी 10 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है। नेक्स्ट 1 आवर में बॉडी 10 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है, यानी कि 1 आवर में 10 किलोमीटर, 1 आवर में 10 किलोमीटर, 1 आवर में 10 किलोमीटर। इक्वल टाइम है 1 आवर और इक्वल डिस्टेंस भी है 10 किलोमीटर। तो इक्वल टाइम में जब कोई बड़ी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। लेकिन वही यहां पर 1 आवर में अगर 10 किलोमीटर करता है, अगला में 20 किलोमीटर करता है, अगला में 5 किलोमीटर करता है, तो टाइम वही है 1 आवर 1 आवर 1 आवर, लेकिन डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट हो गया है। फर्स्ट 1 आवर में 10 किलोमीटर कवर करता है, नेक्स्ट 1 आवर में जो है 20 किलोमीटर कवर करता है, लेकिन फिर नेक्स्ट 1 आवर में 5 किलोमीटर कवर करता है। टाइम इक्वल है, इक्वल टाइम, लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल है। तो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है तो उस प्रकार के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म कहा जाता है। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को बॉडी जो है कवर करता है तो वैसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है।